ये स्कूल जो है इलीगल चले हुए, इनको बंद करवाने की हरियाणा सरकार को अनुशंसा की गई। 2023 में फिर दोबारा से दाखिले शुरू किए, दोबारा से फिर चलाया गया, ताला लगा के नोटिस लगा के सर इन स्कूलों को बंद कर दिया गया और ये दोबारा खुले। मोबाइल में फोटो दिखाता हूँ, स्कूल खुला हुआ है, आपने कागजों में कहते हो नोटिस लगा के बंद कर दिया, स्कूल कैसे खुले हुए? वो हिसाब से सर कंसर्ट SHO को फॉरवर्ड हुआ था ये, मैंने वहाँ भी जाके सर इन स्कूलों के बारे में पता किया, FIR दर्ज हुई है नहीं हुई। स्कूल अभी भी चले हुए हैं सर, खुले हुए हैं, दाखिला इनका स्कूलों का ओपन है सर। ये दो स्कूल है सर, इनकी 2.5 साल से जांच चल रही थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट इनकी स्कूलों की जांच कर रहे हैं सर, और इनके बारे में सर जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जांच करने में ही 2 साल लगा दिए, और ये स्कूल जो सर इलीगल चले हुए हैं +2 तक के स्कूल है सर, और ये एग्ज़ाम में भी बच्चों को बोर्ड की कक्षाओं में पास करवाने का काम करवाते हैं, जैसे जैसे सर ये अभी एग्ज़ाम चले हुए हैं सर बोर्ड के भी, और इनके स्कूलों के खिलाफ सर इतनी डीले कार्रवाई एजुकेशन डिपार्टमेंट ने की है। सबसे पहले सर शिकायत मैंने 4/10 को लगाई थी सर, 4/10 पहले ये बताओ स्कूल कहाँ पे है सर? ये स्कूल है सर, क्या नाम है स्कूल? काबड़ी रोड पे स्कूल है सर, नियर बाय सर कुलदीप नगर है एक सर, ये काबड़ी रोड पे गैस गोदाम के पास है सर। RS शिक्षा सरस्वती शिक्षा सदन है सर एक स्कूल का नाम, और एक स्कूल का नाम है सर RS विद्या मंदिर सर। इन स्कूलों के सर खिलाफ मीडिया ने पहले भी बहुत कुछ छापा था, बहुत कुछ इंक्वायरी मीडिया ने अपने लेवल पर भी की थी सर, और ये फर्जी पाए गए थे स्कूल, इनके पास मान्यता 5वीं की नहीं है, +2 तक के हैं, और ये और भी बड़ी कक्षाओं में बच्चों को पास करवाने का पैसे लेने देने का ही काम करते हैं, मोटे पैसे खाते हैं सर ये। इसके बारे में सर मैंने लगभग 26 से 30 शिकायतें करी हैं सर, ये वो शिकायतें हैं, इसके अंदर CM साहब से लेकर मैंने IG SP गृहमंत्री DC पानीपत DO DW BO सभी को मैंने सर इसमें शिकायतें दी थी, लगभग 30 से ज़्यादा मैंने शिकायतें की सर इसमें, 2.5 साल लग गए सर इन शिकायतों के ऊपर सर, कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ये स्कूल सर, ये इन स्कूलों के सर बयान भी आए थे, और बयान जो आए वो झूठे साबित हुए, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सर जाँच की तो गवर्नमेंट स्कूल तहसील कैंप ने इसमें देखा जाके कि ये स्कूल जो हैं इलीगल चले हुए, इनको बंद करवाने की हरियाणा सरकार को अनुशंसा की गई थी, ये उनके सुभाष जी प्रिंसिपल है तहसील कैंप स्कूल के सर, गवर्नमेंट स्कूल के, उन्होंने अपनी कार्रवाई रिपोर्ट जो बनाई थी, ये रिपोर्ट है सर उनकी। ये सर दोनों स्कूलों की सेम रिपोर्ट है, एक ही दिन में सर दोनों स्कूलों के अंदर विजिट की थी उन्होंने 15/11/2022 को सर, शिकायत करता मैं हूँ सर इसके अंदर। तो कहाँ मिलीभगत मांग रहे हैं आप, इसकी मिलीभगत? मिलीभगत सर ये है कि जब इनको बंद करने की अनुशंसा हरियाणा सरकार को की गई है, और ये 15/11/2022 में की गई थी सर अनुशंसा हरियाणा सरकार को, तो उसके बाद सर ये बंद हो जाने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने 2023 में फिर दोबारा से दाखिले शुरू किए, दोबारा से फिर चलाया गया। इसके बाद सर काबड़ी गांव के स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा इन स्कूलों को बाहर नोटिस लगा के इनको साफ साफ हिदायत भी दी गई और इनको बंद कर दिया गया, इनको ये बताया गया कि आप इन बच्चों में जो पढ़ते स्कूलों के अंदर वो नज़दीक के सर गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाएं, ताकि आपके पास कोई परमिशन है नहीं, तो इन्होंने उन नोटिस को फाड़ के और स्कूल सर दोबारा से 4 दिन बंद करके दोबारा खोलने का काम किया, जिससे बच्चों का भविष्य सर बहुत मतलब ख़राब होने की कगार पा चुका है। उन बच्चों को ना तो कहीं से SLC जारी कर पाते हैं ये, और ना सर उन स्कूलों को, ये दूसरे स्कूलों से भी टाइप इनका शायद है कि नहीं है उसका चीज़ का नहीं पता सर। इन स्कूलों के खिलाफ सर ये सर 10/1/2024 की इसी साल की सर ATR CM इंडो की सर, जब ताला लगा के नोटिस लगा के सर इन स्कूलों को बंद कर दिया गया और ये दोबारा खुले हैं, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहता हूँ कि स्कूल खुले हैं, कागजों में बंद है, आप जाके एक बार देखो। एजुकेशन डिपार्टमेंट मेरे को कहता है स्कूल कैसे खुले हैं, बंद है, आप जाके देखो। मैं जाता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से, DO ऑफिस से, DW ऑफिस से, तो एक घंटे में स्कूल बंद हो जाते हैं सर, जब मैं यहाँ से निकलता हूँ वहाँ स्कूल तक पहुँचता हूँ। मोबाइल में फोटो दिखाता हूँ, स्कूल खुला हुआ है, आपने कागजों में कहते हो नोटिस लगा के बंद कर दिया, स्कूल कैसे खुले हुए वो फिर, तो ये कहते हैं सर आपके मोबाइल के फोटो ही पुराने हैं, हमारे बंद करने से पहले के फोटो हैं, और जबकि सर मोबाइल भी सर नहीं झूठ बोलता होगा, गलत नहीं बोलता होगा ये सर। फिर इन्होंने हद मार के जब FIR के आदेश जारी किए थे सर DWO ने, RK बुरा सर अभी सर मौजूद है Deputy DO, ये सर 9 तारीख दूसरे महीने को FIR के लिए SP साहब को पत्र लिखा गया था, और SP साहब से सर कंसर्ट SHO को फॉरवर्ड हुआ था ये, मैंने वहाँ भी जाके सर इन स्कूलों के बारे में पता किया, FIR दर्ज हुई है नहीं हुई है, तो पुलिस ने सर इसमें धाराओं का मामला बता के कि धाराएं नहीं पता है, और इनको और एजुकेशन डिपार्टमेंट से धाराएं पता करके जब जाके इसको कार्रवाई की जाएगी। किसने कहा था धाराओं का नहीं पता सर? ये सर SHO बताते हैं कंसर्ट थाने के, और ये सर
DW भी बताता है भाई हमारे को धारा नहीं पता, धारा ही हम आगे से पूछेंगे, और ये धाराओं का चक्कर उलझा गया सर, ये DW ने अपने पत्र वापिस ले लिए सर, अपने हाथ से जारी किए हुए पत्र। एक क्या स्टेटस है, क्या स्कूल खुले हैं? स्कूल अभी भी चले हुए हैं सर, खुले हुए हैं, दाखिला इनका स्कूलों का ओपन है सर, इन्होंने सर अपने बोर्ड बना दिए हैं, चालू स्कूल बता रहे हैं, हमारे दाखिले शुरू हो चुके हैं। अब आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं सर स्कूलों के खिलाफ, ताकि बच्चों का भविष्य बचाया जा सके जो उन स्कूलों के अंदर बच्चे पढ़ते हैं। तो आपको इसके मामले में पता कैसे लगा, कैसे इन्वॉल्व हुए सर? ये ऐसे सर जानकारों के, इनके स्कूलों में ऐसे जो आस पड़ोस के बच्चे हैं उन स्कूलों में पढ़ते थे सर, उन्होंने देखा कि ये स्कूल SLC वगैरह नहीं दे पा रहे हैं, किसी और स्कूल में जब एडमिशन लेते हैं, तो मेरे को पता लगा कि स्कूल ऐसे चीटिंग कर रहे हैं लोगों से। मैंने इनसे पूछा भाई इन बच्चों के SLCs वगैरह आप जारी करो जब आपने पढ़ाए हैं, तो उन्होंने ना किसी बच्चे के SLC जारी की, ना इन उन स्कूलों का, ना कहीं बच्चों का कहीं एडमिशन हो पाया। और पेरेंट्स आगे आए हैं सर? पेरेंट्स आए वो सर, उन्होंने बस अपनी शिकायतें SDM या DC यहाँ तक ही दे पाए, वो एक दो शिकायत दे गए, जब कोई कार्रवाई नहीं, वो थक गए सर। उसके बाद सर ये मामला मैंने चलाया सर, ये 2.5 साल की फाइट इसमें की है सर, ये सारी शिकायतें जो लगाई है सर, ये शिकायतों के पास बारे में सर मैंने इसमें लिख दिया। आप अकेले मुहिम को छेड़ रहे हैं? हाँ जी सर। आपके साथ कोई और नहीं है? अकेले इसमें बस मैं तो सर अकेला ही चला रहे हैं उसके, और सर उन बच्चों का भविष्य बचाया जा सके। प्रिंसिपल से क्या नाम है जो आप स्कूल बता रहे थे? ये अशोक है सर, RS विद्या मंदिर, और राजेश राणा है सर, सरस्वती शिक्षा सदस्य। क्या और भी ऐसे स्कूल हैं आपको लगता है? काफ़ी स्कूल है सर, मैं तो कहता हूँ एक बार एजुकेशन डिपार्टमेंट जाके स्कूलों की जांच करे, लगभग 192 स्कूल इस टाइम चले हुए हैं। अगर मैंने तो सर जो अपने लेवल पे पता किया सर, वो तो स्कूल ही है इतने लगभग हैं स्कूल, मैंने तो बोला एजुकेशन। दो ही स्कूल क्यों, बाकी स्कूल क्यों नहीं? तो दो स्कूलों के सारे में जब सर डॉक्यूमेंट रखे ही, बाकी स्कूलों के बारे में कर ही नहीं पा रहे। इनका निकाल सकते हो, तो आप कह रहे हैं कि 195 स्कूल और है, उनका भी तो डॉक्यूमेंट निकाल सकते हो, और उनके ऊपर भी तो कार्रवाई यही बननी चाहिए। दो स्कूलों की तो कर नहीं पा रहे सर, वहाँ की कहाँ से कर देंगे, जब ये मेरे को ही इतना मतलब, मैंने इनको डॉक्यूमेंट हर एक चीज़ें रख दी सर ले आके। ये कहते हैं भैया ऐसे ही स्कूल चलते रहते, ऐसे कोई बात कोई पर्सनल टारगेट तो नहीं है? नहीं पर्सनल कुछ नहीं सर, कोई पर्सनल नहीं है सर। बोर्ड के एग्जाम में जो ये बच्चों के साथ धांधली वगैरह हो रही है एग्जाम में, दूसरे बच्चों बिठा के बहुत चीटिंग फ्रॉड स्कूल है सर, और ऐसे ही काफ़ी स्कूल हो सकते हैं, जब दो स्कूल ऐसे है तो बहुत भी हो सकते हैं।